फिर से एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा हमारे मशीन में महत्व क्या है, स्टेयरिंग और ब्रेक, तो आज के इस वीडियो में ब्रेक के बारे में बात करेंगे। ढेर सारी जानकारी दे दूंगा आपको, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ब्रेक फेल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये मास्टर सिलेंडर की क्या प्राइस है, इसका पार्ट नंबर क्या है, ये कौन कौन से मॉडल में आता है, इसमें अगर आपको पैसा बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे जो आपके मन में क्वेश्चन होते हैं उसका मैं आंसर दे दूंगा। और क्या सचमुच इसे चेंज करने की ज़रूरत है या कभी कभी इसका एयर निकालने से भी काम चलता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, ये देखो, ये JCB 3DX है और हमने यहाँ पे इसको, ये JCB का जेन्युइन मास्टर सिलेंडर है, JCB की तरफ से आने वाला, तो इसका पार्ट नंबर प्राइस तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेन है कि क्या इसे चेंज करने की ज़रूरत है। ऑपरेटर की शिकायत थी कि ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये हम अंदर जाके बात करते हैं। ये आ गया मैं अंदर, ठीक है। आप देखिए, ये हमारा ब्रेक पैंडल है, ये देखिए, ये इतना नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ से दिखो, ठीक है, अभी देखिए ये पूरा नीचे जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 बार पैंडल करने के बावजूद ये भी ये नीचे ही जाता है पूरा, ठीक। ये है राइट का, और ये देखिए लेफ्ट, 1, 2, 1, 2, तो एक बार मारने पे थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, दूसरी बार मारने पर ऊपर ही रहता है, और ये देखो ये तो पूरा गया नीचे, ठीक है। अब ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे जाके झांकना है कि सिलेंडर कहीं लीकेज तो नहीं है। देखिए, ये देखिए, एक यहाँ सिलेंडर है और दूसरा थोड़ा दूर है वहां पे, देखिए, तो ये वाला सिलेंडर लीकेज है जो कि राइट तरफ का है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन में सिलेंडर लीकेज है तो आपने काफ़ी बार सुना होगा और देखा भी होगा, मास्टर सिलेंडर में एक किट आता है, सील किट होता है, वो डालने से काफ़ी बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर वो किट आपको जेन्युइन मिलता है। बट जेन्युइन नहीं मिला तो क्या करोगे, और ब्रेक का जो है वो बहुत काफ़ी रिस्की है, ठीक है। आप बात करेंगे क्यों, ये मास्टर सिलेंडर की प्राइस है लगभग, यहाँ पे पार्ट नंबर भी दिखाता हूँ, 332/Y68637, ठीक है, ये पार्ट नंबर है और इसकी प्राइस लगभग 6,500 है 2023 में। यहाँ पे देखो पार्ट नंबर, ठीक है, 332/Y6867, हिंदी में मेरे को प्रोनाउंस करना ठीक नहीं आता, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, इसका पार्ट नंबर है। अगर आपका मॉडल 2012 से लेके 16 तक है तो ये लगेगा, उसके बाद अलग लगता है और 11-12 के पहले भी अलग लगता है, वो आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर है और इसकी कीमत देखो 6,363 रुपये दिखा दे रहा है, लेकिन आप भी इसकी 200 रुपये से कीमत बढ़ गई है, लगभग 6,500 रुपये इसकी कीमत है। तो मास्टर सिलेंडर फेल है और लीकेज भी है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगर उसको आप सिलकिट डालते हैं तो भी चलेगा, बट रिस्क है। मान के चलिए अगर सिलकिट फेल हो गया तो क्या करोगे, सिलकिट अगर फेल हो गया उसका, इसके अंदर इसे खोल के इसको किट हम चेंज कर सकते हैं अंदर का, रबर वगैरह होता है ना, बट वो फेल हो गया तो बहुत रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेटर से ब्रेक तुरंत कहीं घाट में फेल हो गया तो दिक्कत आ सकती है। इसके लिए मैं तो आपको ये करूँगा कि भाई, ब्रेक का और स्टेयरिंग का काम है तो उसमें आप पूरा मटेरियल डालते तो अच्छा है, अगर गांव में खेती में चलाते हैं, ज़्यादा सड़क पे नहीं आते तो उस टाइम पे आप इसका अंदर का सिलकिट ज़रूर चेंज कर सकते हैं, वो तो 1,200 में हो जाएगा पूरा, ठीक है।
बस अभी हम इसे पहले खोलेंगे, वो पुराना वाला खोलते हैं और ये नया वाला बिठाएंगे। अभी मैं अकेला आया हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि आपको किस तरह से दिखाऊं क्या खोलते हैं, एयर कैसे निकालते हैं। ऑपरेटर भी खाना खाने गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई बंदा नहीं है। ठीक है, तो मैं अकेला हूँ तो चेंज करूँगा और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको दिखाऊँगा। हो सके तो नेक्स्ट वाले वीडियो में वो ज़रूर दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।